नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पहले तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि पिछले कुछ दिनों में ही मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। जी हाँ, अभी हम सी लैंग्वेज कंटिन्यू करने वाले, सी प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करने वाले। तो आज हम देखेंगे फंक्शन, उसे डिक्लेयर कैसे कर सकते, उसे डिफाइन कैसे करते और उसे कॉल कैसे करते। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्टली, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? देखो, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मीन्स फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी हम उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या फिर छोटा सा एक कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्स्ट्रैक्शन हो या फिर जो कोई भी टास्क हो वो परफॉर्म करता है। ओके, तो पहले देखते हैं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले देखो, फंक्शन के दो टाइप पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो आप पहले से यूज कर रहे हो, यानी कि स्कैन है, प्रिंट है वगैरह वगैरह। ओके, ये जो फंक्शन है ये पहले से डिक्लेयर एंड डिफाइन होते हैं। कहाँ पे? हमारे stdio.h नामक हेडर फाइल में, राइट? तो हम क्या करते हैं, उन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं, उन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उन्हें डिक्लेयर और डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। ओके, और सेकंड टाइप के फंक्शन होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हम जैसे यूज़र तैयार करते हैं, उनका काम जो है वो यूज़र डिफाइन करता है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसे हम डिक्लेयर कैसे कर पाते हैं। देखो, डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। अब एक एक चीज को ध्यान से समझो कि पहले हम बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न क्या है? देखो, जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि उसका कोड एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद उस फंक्शन को कोई वैल्यू असाइन की जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार असाइन हो ही, मतलब कि कुछ केसेस में हो जाती है और कुछ केसेस में नहीं होती। ओके, तो देखो, सपोज मैंने कि एक फंक्शन ले लिया ऐड नाम का, जहाँ पे मैं दो नंबर्स की एडिशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उन दो नंबर्स की एडिशन को ऐड में स्टोर कर दूँगा, राइट? ऐड में उसकी एडिशन को असाइन कर दूँगा। उसे ही हम कहते हैं फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न कराना, समझ रहे हो? तो अब देखो, जो वैल्यू हम ऐड में स्टोर करने वाले, जो वैल्यू हम ऐड में रिटर्न करने वाले, उसका जो डेटा टाइप होगा वही इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, राइट? अगर मैंने दो नंबर्स की एडिशन ले ली, 4 + 5, तो वो बन जाएगी 9 और 9 एक इंटीजर है, तो इसका रिटर्न टाइप बन जाएगा इंटीजर, समझ रहे हो? ओके, अब आगे बढ़ते। अब ये तो हो गया रिटर्न टाइप। अब देखो, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम आप जो कोई भी मन में आए दे सकते हो, आप खुद का नाम भी दे सकते हो, बट आप उस टास्क से रिलेटेड कोई नाम दे दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो फंक्शन नेम। तो अब बात करते हैं पैरामीटर लिस्ट की। देखो, पैरामीटर लिस्ट क्या है? देखो, अगर मुझे दो नंबर्स की एडिशन करनी हो तो मुझे पहले दो नंबर्स चाहिए होंगे। तो पहले तो एक ऑप्शन ऐसा है कि मैं वो दो नंबर्स यहीं पर एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब कि इस कोड में, फंक्शन में, या फिर मैं वो नंबर्स फंक्शन को कॉल करते वक्त पास कर लूँ, हो सकता है ना? मतलब कि मेन फंक्शन, आपको पता है ना सी लैंग्वेज में एटलीस्ट एक फंक्शन होता है जो होता है मेन फंक्शन, वॉइड मेन, इंटीजर मेन वगैरह आप लेते हो ना, वो मेन फंक्शन, राइट? उसके अंदर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम उन वैल्यूज़ को पास करा सकते हैं, मतलब कि वहाँ से हम उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तो देखो, कॉलिंग के वक्त वैल्यूज़ कैसे पास की जाती है वो हम आगे देखेंगे। पहले देखो, जब हम वैल्यूज़ को पास करेंगे तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करने के लिए, सपोज मैं दो नंबर्स ले लिए 5 और 9, मैंने ये दो नंबर्स पास कर दिए एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, राइट? तो क्या होगा, मुझे इन दो नंबर्स का यूज़ इस फंक्शन में करने के लिए पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों इंटीजर्स है, तो मैं इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, अगर ऐसे दो पैरामीटर्स डिक्लेयर कर दूँ तो ये 5 जो है वो x को असाइन हो जाएगा और ये 9 जो है वो y को असाइन हो जाएगा, समझ रहे हो?
तो उसके बाद में एक्स एंड वाई का यूज इस कोड में कर पाऊंगा। मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ काम डिक्लेयर करेंगे, मतलब टास्क क्या है वो डिक्लेयर करेंगे और वैल्यूज को हम कॉलिंग के वक्त से एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ रहे हो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। देखो, अब तक मैंने सिर्फ फंक्शन को नाम दे दिया, उसको रिटर्न टाइप दे दिया, बट अब मैं उसको उसका काम समझाने वाला हूँ। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, ये तो कॉमन है। उसके बाद ओपन कर लिया ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो कोई भी आपका टास्क होगा उसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है, राइट? चाहे वो एडिशन हो, मैसेज प्रिंट करना हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, कोई भी हो, वो जो कोड है वो आपको ओपन कर लिया ब्रैकेट और क्लोज कर लिया ब्रैकेट के बीच में लिखना है, राइट? तो देखो, यहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट है ना, वो आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। ओके, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, और जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब आप इस वेरिएबल नेम को ना लो तब भी चल जाएगा। और अगर आपने उसके बाद डेफिनेशन के वक्त अगर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई लिख लिया तब भी आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो कोई भी वैल्यूज है उनका डायरेक्टली मेंशन करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखो ही लिखो, अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फंक्शन डेफिनेशन के वक्त आपको ये दोनों चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। समझ रहे हो? ओके, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन कॉल की। हम फंक्शन को कॉल कैसे कर पाते? अभी तक मैंने फंक्शन को नाम दे दिया, उसका रिटर्न टाइप दे दिया, पैरामीटर लिस्ट दे दी, उसका काम क्या है वो भी उसे समझा दिया, बट अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मतलब कि यूज़ में नहीं लाया है। देखो, इन सी लैंग्वेज जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कर देते तब तक फंक्शन को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको यहाँ पे टाइम भी बच जाता है। देखो, अगर आप सारे काम मेन फंक्शन में करने लग जाओ ना, तो आपकी जो पहले तो फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा बन जाएगा और उसके बाद वो मेमोरी भी थोड़ी सी ज़्यादा खाएगा, यानी कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, राइट? एग्जीक्यूशन में, राइट? देखो, तो इसीलिए फंक्शन कॉल हमें करना ज़रूरी है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कर देते ये सब चीज़ें बेकार है। आप जितना भी लिख लो, फंक्शन का यूज़ में ही नहीं ला, फंक्शन को यूज़ में ही नहीं लाओगे तब तक इस फंक्शन का उपयोग क्या, फ़ायदा क्या, राइट? मतलब जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फंक्शन को कॉल हम कहाँ करते हैं? मेन फंक्शन में, ऑब्वियसली। तो अब सिंटैक्स देख लो, फंक्शन नेम और उसके बाद ओपन एंड क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कोलन, ये सिर्फ इतना ही सिंटैक्स है। अगर मेरे पास ऐड नाम का एक फंक्शन है तो मैं इसे कॉल कैसे करूँगा? ऐड और ओपन क्लोज कर ली ब्रैकेट और सेमी कोलन, सिंपली इतना ही, क्लोज्ड, फिनिश्ड। ओके, तो अब देखो, अगर मुझे इस फंक्शन में वैल्यूज पास करनी है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं इन दो सर्कुलर ब्रैकेट्स के बीच में उन वैल्यूज़ को डाल दूँगा, 5 और 9 और उसके बाद सेमी कोलन। ओके, अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंटर हो जाएंगी और एक्स और वाई की वैल्यू 5 और 9 बन जाएंगी और हम इन एक्स एंड वाई को इस कोड में यूज़ कर पाएंगे। समझ रहे हो? इजी है ना? ओके, तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, इन दोनों की एडिशन को मैं इस फंक्शन में रिटर्न कराने वाला हूँ, राइट? तो क्या होगा, 9 प्लस 5 14 और इस 14 को मैं इस ऐड के फंक्शन को रिटर्न कराने वाला, मतलब कि इस ऐड की वैल्यू है बन चुकी है 14। अगर मैंने मेन फंक्शन में ऐसा कुछ कर दिया, x इज इक्वल टू ऐड, तो क्या होगा पता है? इस x को 14 वैल्यू असाइन हो जाएगी। समझ रहे हो? अब क्लियर हो पा रहा है कि वैल्यू को रिटर्न करना किसे कहते हैं? बहुत आसान है गाइस, इतना कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा जहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूँ जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखो, यहाँ पे पहले void और उसके बाद फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम हम हेलो लेंगे, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कोलन। अब देखो, void क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है क्योंकि ये अगेन मुझे सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, किसी भी तरीके एडिशन या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है। ओके, तो अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन। तो इसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन कर देते, तो void
हेलो ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और उसके बाद विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूँगा हेलो वर्ल्ड। ओके अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है, बट यहाँ पे ध्यान दो, जब तक कि मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तब तक इस फंक्शन का कोई फायदा नहीं है। ओके तो मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर दूँगा हेलो ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कोलन। अब ऐसे लिखने पर ही आपके फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी और आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा, राइट। अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। फंक्शन हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अगले वीडियो में हम इसका एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।